कैसे आप सभी लोग अच्छे हो ना। बस वैसे ही रहना। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं अभी उठाऊं तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि क्यों नहीं बनाया, उसका कारण क्या कि घर में थोड़ा काम चल रहा था तो साउंड बहुत हो रहा था, इसीलिए। तो फाइनली आज मैं बना रहा हूँ। तो आज है ट्यूसडे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा जब बाहर जा रहे हैं कुछ घूमने के लिए फैमिली के साथ, शायद खुद मंदिर है कुछ जा रहे हैं। तो मंदिर कैसा है क्या है उसका पूरा वीडियो आज आपको दिखाऊंगा, और कैसे कैसे एंजॉय करने, मतलब कैसे कैसे हम एंजॉय करेंगे वो भी दिखाऊंगा। 2,000 years later. ये मिडिल क्लास लोग में तो सबसे बड़ा फालतू चीज ये है, उनको बोला जाता है कि सुबह 6 बजे उठने के लिए, लेकिन बज रहा है अभी 9 बजने वाले हैं, तब तो कोई रेडी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो सुबह 6 से उठ के अभी 9 बजे है, तो क्या करना है कुछ बता रहे हैं। हमारे घर में एक फूल है, फ्लावर है, मतलब वो एक मतलब डिजर्टर टाइप का फ्लावर, मतलब वो मतलब कुछ डिजर्ट होता है तभी वो फ्लावर डिजर्ट डिजर्ट फ्लावर, मतलब डेजर्ट एरिया में जो फ्लावर जाते हैं होते रहते हैं। एडेनियम उसका नाम हम देख सकते हैं सर्च करके, वो वाला फ्लावर जो कि हमारे घर में भी खिला है, उसका हम दिखा देंगे। कंसिडर किया जाता है कि वो लकीस्ट फ्लावर होता है, लकीस्ट हमारे घर में खिला तो क्या लकीस्ट होगा मुझे पता नहीं। One eternity later. So, अभी घर से निकल चुके हैं 10 बजे। 10 बजे से निकल के अभी गाड़ी में सब बैठे हुए हैं और भी निकल चुके हैं काटक, मतलब काटकपुरा तक निकल चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ऑन द वे ही है अभी, सुबह 6 बजे उठने के लिए बोले, लेकिन घर से निकल रहे हैं 10 बजे। अभी जस्ट ऑन द वे हैं और पहुंचने वाले हैं और आधा घंटे में 50 किलोमीटर से। अभी पहुंच गए हैं रामचंडी मंदिर पे। पहली बात कि मैं जो इसके पहले जो मंदिर गया था उसमें कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं कैमरे से कुछ शूट नहीं कर पाया पहली बात, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट मैं तो फोटो क्लिक किया था इसे मोबाइल मांग के मेरे भैया से। सो अभी हम पहुंचे हैं रामचंडी मंदिर में। रामचंडी मंदिर जो कि पूरी से आई थिंक 5 किलोमीटर दूर में, ठीक है। तो ये बीच के आसपास में ही है, तो यहाँ पे हर जगह मतलब अच्छा नज़ारा भी है। सो कुछ नहीं, सो एंड होप आप एक बार रामचंडी भी आइए, हमको दिखाते हैं। कोणार्क में नहीं जा पाया क्योंकि थोड़ा सा मतलब पार्किंग का बहुत इशू है यहाँ पे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो ग्रहण गया था ना कल, तो आज लोग सब आ रहे हैं देखने के लिए, तो पार्किंग के लिए बहुत ही मतलब यह है, मतलब बहुत ही इशू हो रहा है। तो पीछे अभी आई आ रही है मेरे साथ। सो अभी रामचंडी आए हैं, रामचंडी दर्शन करने के बाद फिर लंच करेंगे। लंच सुबह से कुछ नहीं खाए, तो लंच करने के बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना क्या नहीं। सो स्टे विथ मी एंड दिखाते हैं आपको क्या क्या करना है। अभी बस रामचंडी मंदिर को दर्शन करके आ चुका हूँ अभी होटल में, मतलब लॉज में भी खाने के लिए कुछ लंच करने के लिए। पीछे देख सकते हैं, पीछे मेरा सी बीच है और इधर हम जा रहे हैं। ये भाई है, ये आई है और आगे आते जा रहे हैं। इतना रुपये 40 रुपये दे रहे हैं, तो अभी इसके लिए भी पार्किंग के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, मैं पैसा दे के आता हूँ। तो अभी लंच हो गया, लंच करने के बाद अभी हम लंच बेस था लेटो खा लिया, अफोर्डेबल था एंड बहुत अच्छा भी था, पनीर भी था उसमें और कुछ नहीं। बस अभी थोड़ा लौट रहे हैं भुवनेश्वर फिर से, बहुत घुमा गया अभी और सब मतलब अच्छे से हो गया। घर जाएंगे और कुछ नहीं, और मैं घर जाके ब्लॉग एंड कर दूंगा। एंड करने के बाद फिर उसको एडिटिंग करके फिर मैं आई थिंक उसको सुबह 8 बजे या 9 बजे आ जाए। एंड एंड वो आई होप दैट आप भी आएंगे घूमने के लिए, तो आइए घूमिए और अच्छे से देखिए भी क्या क्या है और कुछ नहीं। सो इधर भाई गाड़ी चला रहा है, भाई के साथ जा रहा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ और कुछ नहीं। बस अभी नेशनल हाईवे पे है, अभी मतलब हाईवे पे है और अभी मस्त वाला नारियल पानी पीने के लिए भी रास्ते में रुके हुए हैं। पीछे नारियल का दुकान है और नारियल पीएंगे, मतलब खरीदेंगे और थोड़ा पी लेंगे। नारियल पानी पीने से भी अच्छा है, एक चीज़ है फेस के लिए भी अच्छा है।
तो पीछे पीछे नेशनल हाईवे का टोल गेट है, वेलकम टू पूरी लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी नारियल पानी पीने के लिए आ जा रहे हैं, देखते हैं कितना क्या होगा क्या नहीं, नारियल पानी थोड़ा पी के आगे जाएंगे, ठीक है। वाला एक नारियल पानी मिल गया तो हम पीने वाले हैं उसको, और कुछ नहीं, 40 रुपये ले रहे हैं एक, तो अच्छा ठीक है, मतलब हाईवे में भी अच्छे ठीक है, पीछे भाई है और आ जाए हैं, वो लोग खरीद रहे हैं कुछ, तो हमारा नारियल पानी से बन रहा है, और कुछ नहीं चाहिए अभी हमको, बस अभी नारियल पीने पानी पीने के बाद फिर आगे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। सो लिटिल भी तो आपको घर जाके फिर ब्लॉग एंड करना है, ठीक है। तो गाइज अभी घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज गए अभी। सो अभी 6 बज चुका है, तो मैं आई थिंक मैं ब्लॉग एंड कर दूंगा, एंड करने में फिर अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा, रेस्ट लेने के बाद फिर एडिटिंग करना है, फिर एडिटिंग करने के बाद फिर उसको फिर अपलोड करने तक सुबह के 8 बजे मैं अपलोड आदिंग कर दूंगा, सुबह के 8 बजे आई थिंक, और टाइम लग जाएगा मेरे को, फिर रेस्ट करूँगा, बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, और बहुत एंजॉय किया, होप आप भी जाइए, आप भी एंजॉय कीजिए, उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और जानिए उधर क्या क्या है क्या नहीं, और होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप हैप्पी एंड डू, छोड़ो बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है आपको क्या करना है, एंड बाय बाय।